महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर में शनिदेव की पूजा को लेकर संग्राम इस वक्त भी जारी है। पुलिस ने भूमाता ब्रिगेड की महिलाओं को शनि शिंगणापुर मंदिर में जाने से रोक दिया। इस दौरान पुलिस और महिलाओं के बीच खूब धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने भूमाता ब्रिगेड की कई महिलाओं को हिरासत में ले लिया है। गणतंत्र दिवस के दिन शनि शिंगणापुर में हो रहे इस रण पर कई सवाल खड़े होते हैं। क्या महिलाओं का शनि मंदिर में बैन जायज है? क्या 400 साल पुरानी इस परंपरा को तोड़ना चाहिए? इसी पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले यह खास रिपोर्ट। देश 67वें गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा हुआ है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र का छोटा सा गांव शनि शिंगणापुर भी छावनी में तब्दील है। इसकी वजह है भूमाता ब्रिगेड की शनिदेव की पूजा करने की कोशिश। गणतंत्र दिवस के दिन भूमाता ब्रिगेड ने गांव में सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया। काफी धक्का मुक्की के बाद भूमाता ब्रिगेड को शिंगणापुर के सूपा के पास रोक दिया गया। मंदिर प्रशासन हर हाल में परंपरा को बरकरार रखने पर अडिग है। भूमाता ब्रिगेड को रोकने के लिए मंदिर प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए थे। मंदिर के चारों तरफ 15 फीट की बैरिकेडिंग की गई थी, तो पहले घेरे में मंदिर प्रशासन के सुरक्षा रक्षक, दूसरे घेरे में मंदिर की ओर से मंगाए गए प्राइवेट गार्ड तैनात हैं, तो तीसरे घेरे में पुलिस मुस्तैद है। इतना ही नहीं, भूमाता ब्रिगेड किसी भी हालत में मंदिर में दाखिल न हो, इसके लिए पुलिसकर्मी मंदिर की ओर जाने वाले मुख्य सड़कों पर नाकेबंदी कर चेकिंग में जुटे हुए हैं। इस वक्त हमें अहमदनगर के सूपा इलाके में, जहां पर भूमाता ब्रिगेड की महिलाओं को रोक लिया गया है, आप मेरी बाईं तरफ देख रहे हैं किस तरह से भूमाता ब्रिगेड की महिलाओं को, जो तृप्ति देसाई शुरुआत से ही लीड करके जो कह रही थी कि वो आज के दिन मंदिर में न सिर्फ प्रवेश करेंगे बल्कि शनि भगवान के चबूतरे पर चढ़कर तेल से उनका अभिषेक करेंगे, आज उसी तृप्ति देसाई और उनके साथ में जो करीब 400 महिलाएं हैं उन्हें हिरासत में ले लिया गया। शनि शिंगणापुर तो पुलिस छावनी में तब्दील है ही, लेकिन दूसरी ओर पुणे में भी सुबह से ही गहमा गहमी रही। भूमाता ब्रिगेड की अध्यक्ष तृप्ति देसाई के ऐलान के बाद ब्रिगेड से जुड़ी महिलाएं इकट्ठा हुई और फिर बस से शनि शिंगणापुर पहुंची। भूमाता ब्रिगेड ने साफ कर दिया है कि हम सदियों पुरानी इस परंपरा को हर हाल में तोड़कर रहेंगे और अगर रोका गया तो गांधीगिरी का सहारा लिया जाएगा। क्यों रोका है पता नहीं, लेकिन आज महिलाओं के लिए ब्लैक डे है। गणतंत्र दिवस पे इन्होंने महिलाओं का हक और अधिकार छीना है, आज ब्लैक डे घोषित करते हैं भारत में। आपको इनका कहना कि इससे आगे आपको जाने नहीं देगा, पुलिस का कहना हम जाएंगे जाएंगे यहाँ जाएंगे, आपका कह रहे कि आप लोग जाएंगे लॉ एंड ऑर्डर, इनका जो है बंदोबस्त वो छोड़ के जाएंगे। शनि पर संग्राम जारी है। भूमाता ब्रिगेड हर हाल में शनिदेव मंदिर में पूजा करना चाहती है, लेकिन मंदिर प्रशासन भी अपने फैसले पर अडिग है। आज 26 जनवरी है और इसी ऐतिहासिक तारीख को हमारे मुल्क को संविधान मिला था। ऐसे में सवाल ये है कि क्या शनि शिंगणापुर में 400 साल बाद एक नया इतिहास लिखा जाएगा? क्या भूमाता ब्रिगेड सदियों से चली आ रही इस परंपरा को तोड़ने में कामयाब हो पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस मुद्दे पर खासतौर से जो सवाल उठ रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण। पहला सवाल जो हम लगातार इस पर पूछ रहे हैं वो ये कि क्या भगवान महिलाओं की पूजा से अपवित्र हो जाएंगे? दूसरा सवाल जो हम पूछ रहे हैं, महिलाओं और भगवान के बीच आने वाले ट्रस्टी कौन होते हैं? तीसरा सवाल, महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मसले पर खामोश क्यों है? चौथा सवाल जो इस मुद्दे पर हम पूछ रहे हैं वो ये, महाराष्ट्र सरकार महिलाओं को न्याय क्यों नहीं दिला रही है? पांचवा सवाल, क्या महाराष्ट्र सरकार अंधविश्वास के आगे झुक गई है? ये पांच सवाल जो कि आज के मुद्दे में सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम इस वक्त सीधे चलना चाहेंगे अपने संवाददाता दिनेश मौर्य के पास, जो वहां पर इस वक्त मौजूद है और वस्तु स्थिति बताने के लिए तैनात है। इस वक्त दिनेश, क्या स्थिति है और जहां तक भूमाता ब्रिगेड का सवाल है वो कहां पर मौजूद है? महिलाओं को पूजा करने से रोक दिया गया है, तेल चढ़ाने से रोक दिया है, वो कहां है, स्थिति बताएं पहले। देखिए, सूपा गांव है अहमदनगर की सीमा पर, वहां पर महिलाओं को रोक दिया गया। मैं आपको दृश्यों के जरिए दिखाना चाहूंगा कि जो सूपा गांव का जो मुख्य हाईवे है वहां पर ये महिलाएं बैठ गई है, इस पूरे हाईवे को जाम कर दिया गया है। साथ ही में इन महिलाओं को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस का बंदोबस्त भी तैनात किया गया है। महिला पुलिस कांस्टेबल्स के साथ साथ महिला कमांडोज की भी यहाँ पर तैनाती की गई है, जो यहाँ पर मौजूद हमारे साथ है। तृप्ति देसाई जो शुरुआत से इस पूरे आंदोलन को लीड कर, उनसे जानना चाहेंगे, अब आप लोग को रोक दिया, अब यहाँ से आप क्या करेंगे? जब तक हमें शनि शिंगणापुर छोड़ा नहीं जाता,
तब तक हम यहाँ पे ही रुकने वाले हैं। हमारे सभी महिलाओं को शनि चबूतरे पे जाके दर्शन लेना है। सभी महिलाओं को मैंने यहाँ पे ही जाके पूछा है, दोनों रोड हमने ब्लॉक किया है। तो महिलाओं की पूरी तैयारी है कि अगर पुलिस ने कुछ भी किया, जेल भरो आंदोलन करने की भी ये आई, तो हम सभी के लिए तैयार हैं, लेकिन तय हम दर्शन लेने के लिए। लेकिन पुलिस का कहना है कि वो इससे आगे जाने नहीं देंगे, इस तरह के ऑर्डर भी पुलिस को मिले, अब ऐसे में आप लोग की रणनीति क्या होगी? हमारी महिला ऑलरेडी शनि शरणापुर में पहुंच चुकी है, उनको भी वहां पे रोका गया है। वहां की महिलाओं को तो छोड़ा जाए, वहां की महिलाओं को तो हमें चबूतरे पे छोड़ा जाए, लेकिन हम जाएंगे। पुलिस क्यों ऐसा कर रही है? आज संविधान पुलिस का कहना है कि आप लोग अगर वहां पे जाते हैं तो वहां पे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। वो पुलिस का काम है, वो सरकार का काम है, हमें क्यों रोक रही है वो? आप देखिए, आप सब बंदोबस्त ये कीजिए। हमने बोला है कि हम लाइन में जाके संरक्षित मार्ग से भगवान का पवित्र रख के दर्शन लेने वाले। ट्रस्ट भी आप लोग का साथ नहीं दे, ट्रस्ट का कहना है कि वो 400 साल पुरानी इस परंपरा को टूटने नहीं देंगे, ऐसे में आप लोग के हाथ क्या लग पाए? ये ट्रस्ट की और गांवकरी की दादागिरी है, महिला बिल्कुल नहीं डरती है, हम उनकी दादागिरी बिल्कुल नहीं सहन करेंगे। तो सुना आपने की तृप्ति देसाई साफ तौर पर कह रही कि वो ट्रस्ट की जो दादागिरी उसे सहन नहीं करें। फिर एक बार दृश्य में आपको मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से यहाँ पर महिलाएं जो है अलग अलग इलाकों से यहाँ पर पहुंची, और जो पिछले करीब एक घंटे से यहाँ पर बैठी हुई है, हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया गया। साथ ही मैं आपको दूसरा हिस्सा इस हाईवे का दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर किस तरह से पुलिस को तैनात किया गया, पुलिस की जो महिला कमांडोज है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर देख सकते किस तरह से पूरा एक घेरा बना दिया गया इस हाईवे पर। यहाँ पर महिला पुलिस कांस्टेबल साथ साथ महिला कांस्टेबल पुलिस कमांडोज भी है, साथ ही में अन्य जितने बड़े अधिकारी हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद है। एक संघर्ष की स्थिति यहाँ पर कुछ समय तक बनी हुई थी। जी दिनेश, हम जानना चाहते हैं, बिल्कुल आपने व्यवस्था बताई, आपने सारा हालचाल बताया, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, पुलिस के किसी अधिकारी से आपकी बात हुई है, उनका क्या कहना है इस पूरे मसले पर? देखिए, यहाँ के जो DCP है पंकज देशमुख, उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि उन्हें ऑर्डर्स मिले हैं कि इन महिलाओं को इस जगह से आगे न जाने दिया जाए। प्रशासन को डर है कि अगर ये महिलाएं अगर मंदिर में जाती है तो उन्हें उनकी वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। ऐसे में पुलिस आपने आदेश जो आदेश मिले उसी हिसाब से यहाँ पर महिलाओं को रोक रही है। पुलिस ने साफ कर दिया कि अगर महिलाएं बात इनकी नहीं मानती तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। जी प्रतीक जी, बिल्कुल दिनेश, हम आपके पास जरूर आएंगे, आपसे आप जो हाल बता रहे हैं वो देखा, तृप्ति से भी अगर मौका लगेगा तो आप बात कराएं। और हम यहां चर्चा को शुरू करना चाहेंगे, हमारे साथ जो इस वक्त यहां पे स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर ज्योतिषी वाई राखी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, डॉक्टर राजकुमार शास्त्री हमारे साथ शास्त्रीय परंपरा से जुड़े हुए वो हमारे साथ मौजूद है, इसके अलावा हमारे साथ धर्मगुरु नवल किशोर दास जी हमारे साथ मौजूद है, इसके अलावा मुंबई से जुड़े हैं धर्म उपदेशिका साधिका सोनिया दीदी हमारे साथ, साथ ही हमारे साथ गुड़गांव स्टूडियो से जुड़ रहे हैं कॉलमिस्ट एना वेडिकेट, और कोच्चि से स्काइप के जरिए हमारे साथ सबरीमला आश्रम के मुख्य पुजारी के पोते राहुल ईश्वर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले राखी आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी नजरों पे जो कुछ हो रहा है वहां पे वो जायज है आज के दिन जब गणतंत्र दिवस है, या इसको आप कैसा मानती है, किस तरह से देखती है एक महिला होने के नाते, एक स्वतंत्र नागरिक होने के नाते? बिल्कुल, आपकी एक रिपोर्ट को देखने के बाद मुझे तो ऐसा लगा कि शायद आज भी हम गुलामी हैं, पर मुझे लग ही नहीं रहा कि आज के दिन हमारा संविधान बना था। इतना अपमान हो रहा है औरतों का, मंदिर ट्रस्ट की वजह से, सिर्फ एक ट्रस्ट जो चाहता है 400 साल पुरानी रूढ़ी नीति को आज भी हम अपना रहे हैं और औरतों का अपमान कर रहे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ बातें करते हैं और बेटियों का सड़कों पर अपमान हो रहा है। बेटियों को एक मंदिर जैसी, जिस पर जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारी मर्जी हम किस मंदिर में जाए, तेल चढ़ाए जाए ना जाए, उसमें भी महिलाओं का इतना जबरदस्त अपमान है। मैं तो सोच रही हूं कि देश चुप बैठा कैसे है, क्यों नहीं उन औरतों को वहां के लोकल लोग सपोर्ट कर रहे। किसी भी हालत में मैं इस बात का पूरी तरह से बहिष्कार करती हूं, ये दोहरी नीति है। शास्त्री जी, आप बगल में बैठे हैं और आपके बगल में इन्होंने कहा कि चुप बैठा है देश, चुप बैठा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, एक प्रतिक्रिया कहीं से कुछ तो आनी चाहिए। आचार्य जी देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो बातें कही हैं आज, वो बातें कलयुग में बड़ा ही सटीक हो रही है। अब वो मत बताइएगा ढोल गवार वाली बात। और क्योंकि जो गोस्वामी तुलसीदास जी की भविष्यवाणी है, मैं सोचता हूँ गोस्वामी तुलसीदास जी कितने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थे और उन्होंने कितना आगे क्या होगा इस बात का जो है लिख दिया है। मैं ये सारी स्थिति को जो देख रहा हूँ, इसमें महिलाओं की कोई जिद नहीं, आपको बता दूं मैं, इसमें कुछ असामाजिक तत्व हैं। आपको इसमें कौन सा असामाजिक तत्व लग रहा है, मैं जानना चाहता हूं। नहीं, वो इसकी इंक्वायरी, वही मैं आपको कह रहा हूं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए,
कि इसमें असामाजिक तत्व कुछ मिले हुए हैं और इसमें कुछ अपने आप को अपने अधिकार के लिए औरत को शुरू से लड़ना ही पड़ा है। पॉलिटिकल पार्टी का टिकट लेने के लिए ये साथ केवल पॉलिटिकल पार्टी का टिकट लेने के लिए कुछ महिलाओं का एजेंडा है। गलत है और आप एक और बड़ी बात बता दूं, अगर आज इसकी इंक्वायरी हो जाए ये केवल एक सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश है और इसमें कुछ मुस्लिम महिलाएं अवश्य मिली होंगी। आप हर बात में शक के आधार पे कोई बात मत कहिए। नहीं नहीं आचार्य जी, मैं इसमें अलाउ नहीं करूंगा। नहीं नहीं आचार्य जी, इंक्वायरी होनी चाहिए। इस बात को मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा जो आपने कहा है, लेकिन इसमें मुस्लिम महिलाएं, अगर वो महिला है महिला है, सच्चाई सुनने की हिम्मत करिए जी। ये सच्चाई है, नहीं नहीं, और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। नहीं नहीं, आपको सच्चाई सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। सच्चाई अभी कड़वी लग रही है और इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मंदिर के अंदर जाने दिया जाए, एक साजिश है सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए। सड़क पर बैठी है महिला हमारे साथ मौजूद है, पॉलिटिकल पार्टी से टिकट लेने के लिए। अन्ना हमारे साथ, अन्ना रेडिकार्ड हमारे साथ मौजूद है। मैं जानना चाहता हूँ ना, जिस तरह से इन्होंने ये कहा, ये कह रहे हैं कि इसमें साजिश चल रही है, इनको उल्लंघन करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो। राहुल आई एम कमिंग जी, वडिकाट हमारे साथ मौजूद है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये साजिश है, ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ मुस्लिम महिलाएं शामिल जरूर होंगी, लेकिन यही ये मानने को तैयार नहीं है कि कहीं यहाँ पे कुछ अनैतिक हो रहा है या अधिकारों के खिलाफ हो रहा है। जी अनैतिक हो नहीं रहा, ये बिल्कुल जायज हो रहा है। आचार्य जी मैं बात सुन रही हूँ, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रतीक मैं जवाब जी ऑफकोर्स प्रतीक मैं जवाब दूंगी, प्रतीक मैं जवाब देना चाहूंगी, लेकिन अगर पैनल के किसी और ने चिल्लाना शुरू किया तो प्लीज आप उनको रोकें, क्योंकि मैं चिल्लाऊंगी नहीं। ये साहब कह रहे हैं कि साजिश है हिंदू धर्म के खिलाफ, मैं उनको कहना चाहूंगी कि हर धर्म में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है और हर धर्म में पूरी दुनिया में महिलाएं अपनी आवाज उठा रही है। सिर्फ महिलाएं नहीं, जो भी समाज में भेदभाव है, जिस जो मैडम ये भेदभाव, अगर आप मर्यादा को भेदभाव कहते हैं तो मर्यादा की आचार्य जी ये बात पूरी सुन लीजिए। महिला की बात कह रही है, कम से कम इतना तो हम लोग कर सकते हैं ना, इतना तो साइनशोर हो सकते हैं ना, बात तो सुन लीजिए। जी जी ऑफकोर्स ना, शुक्रिया जी, शुक्रिया प्रतीक। तो आप देखेंगे जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है, ईसाई धर्म। अब ईसाई धर्म में सबसे बड़ा समुदाय है रोमन कैथोलिक सभा, जिसमें समलैंगिकता को पाप माना जाता है और समलैंगिक शादियों को मान्यता नहीं दी जाती है। लेकिन अब यूएस में कानून आ गया है कि समलैंगिकों की शादी जायज है। और एक औरत थी पिछले साल किम डेविस नाम की, जिन्होंने वो जो सरकारी कर्मचारी है और उसने समलैंगिक कपल्स को लाइसेंस देने से इंकार किया। वो भारत भारत की अपनी एक मर्यादा होती है। आप अमेरिका आचार्य जी उनको दे दीजिए 20 सेकंड दीजिए, बात कंटिन्यू कर लीजिए। शास्त्र विरुद्ध बातें कर रही है ना, समाज में गलत फहमी फैलती है। नहीं 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 नहीं, समाज में गलत फहमी होती है, आचार्य जी गुमराह होता है। नहीं नहीं आचार्य जी, शास्त्र के अनुरूप बात है जी। बात जी जी आना, कंक्लूड आप करिए, कंक्लूड करिए 20 सेकंड्स। हाँ, तो मैं कह रही हूँ, ये किम डेविस का आर्गुमेंट क्या है। वो कहती है कि वो ईसाई है, उसको उसके धर्म में समलैंगिकता तो मान्यता नहीं है, तो उसकी स्वाधीनता पर रोक लगाया जा रहा है। पर सवाल ये उठता है कि कानून में आपके धार्मिक फ्रीडम को आप दूसरों के स्वाधीनता पर रोक नहीं डाला जा सकता, ये भेदभाव है महिलाओं के खिलाफ। मैडम आपको संविधान का मालूम नहीं है, संविधान की धारा 25 में है, हर व्यक्ति अपने धर्म के प्रति स्वतंत्र है। आप भारतीय संविधान को पढ़िए, आपने ना तो शास्त्र पढ़ा ना भारतीय संविधान को पढ़ा, चिल्ला क्यों, ना तो आपको शास्त्र का ज्ञान है ना भारतीय संविधान का ज्ञान है।
संविधान की धारा जाकर के पुस्तक उठाइए और उसका अध्ययन करिए। संविधान की धारा 25 नहीं 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 आचार्य जी, आचार्य जी धर्म के आचार्य जी नहीं 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 दिस इज नॉट द वे, नहीं नहीं आचार्य जी ये तरीका नहीं नहीं। हम भारत, मैं तो पहला सेंटेंस पढ़ देता हूँ, भारतीय संविधान, भारत के लोग आप भारतीय संविधान को सबका सम्मान करेंगे? सोनिया दीदी जी, मैं सोनिया दीदी के पास जाना चाहता हूँ, आपका सम्मान करेंगे? नहीं 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 संविधान के अनुकूल हो रहा है, नहीं नहीं, और वहां पर किसी भी स्थिति में महिलाओं का प्रवेश बर्दाश्त नहीं होगा। किस आधार पे ये बात आप कह रहे हैं? क्या आप इस बात पे संविधान और शास्त्र दोनों के आधार पर कह रहा हूँ? संविधान और शास्त्र दोनों के दोनों खड़े रहेंगे शास्त्री जी, आप भी यही और मैं भी यही हूँ, उसी मंदिर में औरतें जाएंगी और आप उनमें साथ में शो करेंगे। आप बिल्कुल गलत है, ये नीतियां बदलनी पड़ेंगी। ऐसे ही जबरदस्ती औरतों को पहले कहा जाता था कि पति मर जाए तो पति के साथ मर जाओ, महिलाओं संविधान में आप पुरुष चोरी की वजह से कह रहे हैं, शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है, बहुत कुछ जरूरत है और बहुत सारे काम बाकी है। इसके लिए जवाब है ना, हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। शास्त्री जी एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप कोर्ट की मर्यादा का पालन करेंगे? शास्त्री जी सारी मर्यादाओं को उल्लंघन करना चाहते हैं? जिम्मेदार ज्योतिष आचार्य हैं आप, मेरी बात मर्यादा ना कोर्ट की मर्यादा, पहले सुनना सीखिए, पहले सुनना सीखिए, पहले शास्त्री जी शास्त्री पहले मेरी बात सुनिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि शास्त्री जी को दो दिन पहले बहुत जबरदस्त एक अवार्ड मिला है, गोल्ड मेडल मिला है हरियाणा की तरफ से। ये बहुत माननीय ज्योतिष आचार्य हमारे देश के, इन्हें तो वहां पर महिलाओं के साथ खड़ा होना चाहिए और हमारा साथ देना चाहिए। उल्टा आप जैसा एक युवक, इतना समझदार इंसान महिलाओं का अपमान कर रहे हैं टीवी पर, बर्दाश्त नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं होगा। और संविधान दोनों का सम्मान करता हूं आचार्य जी, दो लोग पैनल में आचार्य जी उसके साथ आचार्य जी दो लोग पैनल में ऐसे हैं जो सनातन परंपराओं को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। एक महंत है नवल किशोर जी और दूसरी सोनिया दीदी, दोनों सनातन परंपराओं को समझते हैं। मैं उन दोनों के पास चला जाता हूं। मुझे पहले मैं महान नवल किशोर जी से जानना चाहता हूं। महाराज जी ये बताइए, ये जो बात कही जा रही है कि महिलाओं को नहीं जाने दिया जाएगा, महिलाओं को नहीं छूने दिया जाएगा, महिला नहीं जा सकती हैं, पूजा अर्चना नहीं कर सकती हैं, ये कहां का न्याय है? देखिए मैं तो केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ, भगवान की पूजा करने का अधिकार सबको होना चाहिए, वहाँ भाव प्रधान है जी, और भाव की अभिव्यक्ति करने का अधिकार सबको होना चाहिए। वहाँ के जो ट्रस्टी हैं उन लोगों को या तो स्पष्ट करना चाहिए कि कभी किसी महिला ने उपासना की हो और कोई दुर्घटना हो गई हो, कई हमारे मंदिरों में ऐसा है कि किसी स्त्री या पुरुष किसी के जाने से कोई घटना घटी और किसी कारण से नहीं जाया जाता, तो वहाँ को स्पष्ट करें कि ये परंपरा क्यों और कैसे पड़ी। और मैं तो कहता हूँ मंदिर में माताएं इतनी श्रद्धावान होती हैं, उनको पूजा करने देना चाहिए, क्यों वहां तो श्रद्धा प्रधान है, भाव बस भगवान सुख निदान करुणायतन, भाव की प्रधानता है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार से नवल किशोर दास जी से पूछना चाहता हूँ। मैंने शनिदेव की पत्नी ने शनिदेव को श्राप दिया जिस समय शनिदेव भगवान कृष्ण की उपासना में तल्लीन थे, ऋतुमती होने के उपरांत जब उनकी पत्नी उनके सामने आई और उन्होंने अपनी दृष्टि ऊपर नहीं की, ऐसी स्थिति पर शनिदेव की पत्नी उनको शाप दे दिया। ठीक है, मेरी बात पूरी होने दी, बिल्कुल पत्नी ने शाप दे दिया। आप मैं किशोर जी से पूछना चाहते हो, शास्त्र के मर्मज्ञ हैं, महात्मा है, महामंडलेश्वर है, पूछ रहा हूँ श्राप शब्द का अर्थ क्या होता है? मैं बताता हूँ, श्राप का अर्थ होता है विशेष अधिकार का हनन कर लेना। सवाल दीजिए आचार्य जी, मैं कहूँ श्राप का मतलब होता है विशेष अधिकार का हनन कर लेना, और जब उनकी पत्नी ने विशेष अधिकार का हनन कर लिया कि शिला रूप में शनिदेव आप जहां भी बैठेंगे आपका पूजन स्त्रियां नहीं करेंगी, आप कैसे बदल देंगे बताइए? सवाल आपने रखा है, बिल्कुल ठीक है, मैं उसी सनातन परंपरा से, उसी सनातन परंपरा से महामंडलेश्वर जो जुड़े हुए, मैं उनसे जानना चाहता हूँ। जी हाँ महाराज जी, देखिए बंधु, जब ऐसा काल होता है जिसमें माताओं को नहीं जाना चाहिए, मुझे लगता है माताएं उसमें बड़ी विनम्रता के साथ सावधानी बरतनी और बरतना भी चाहिए, किसी भी मंदिर में नहीं जाना चाहिए उस काल में, तो शनि मंदिर में ही नहीं, किसी भी किशोर जी मैं कर रहा हूं ऋतुमती नहीं, ऐसा तो थोड़ा
प्रतीक, मैं इस बात का खंडन करती हूँ। महिला होने के नाते आप बेकार की बातें कर रहे हैं। महिलाओं को पता है कि मंदिर 5 दिन नहीं जाना चाहिए, तो नहीं जाना जानते हैं। आप समझाएं हमें, हमें बताएं, और दुनिया की हर महिला को पता है, हम अपनी छोटी बच्ची को भी ये बात समझा देते हैं। तो प्लीज पुरुष हमें ये बताएंगे, विरोध इंटरनेशनल टीवी चैनल प्रकार के अश्लील शब्दों का महिला के प्रति नहीं करे। सभी महिलाएं हमारे लिए सम्मान नहीं है, आदरणीय है, लेकिन महिला शब्दों का प्रयोग करिए। ठीक है, ठीक है, नहीं 4 दिन तक महिलाओं को मंदिर ले जाना चाहिए, महिलाएं जानती हैं। आचार्य जी, इसके लिए आचार्य जी आने नहीं होता। आचार्य जी, कोई ऐसे कोई तो आचार्य नहीं है, आचार्य पर ये बातें पढ़ाई जाती है। नहीं नहीं, आचार्य जी मुझे आपत्ति है। शास्त्री जी खुद कह रहे हैं, लगा रहे हैं आरोप मेरे पे। मैंने कहा कि माताएं जानती हैं उन्हें कब पूजा करना है कब नहीं करना है। ये क्या तरीका है भाई, ये डिबेट ऐसे होती है क्या? ये गलत बात है। ठीक है, मैंने गलत ना कहा है कि माताओं को पता है उन्हें कब पूजा करना है कब नहीं करना, किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैंने कहा आप चुप रहो भैया, आप माता को हर मंदिर में जाने का पूरा अधिकार है, पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए। महिलाओं की आवाज समझे पहले तो शास्त्री, राजकुमार शास्त्री जी, राजकुमार शास्त्री जी मंदिर में, राजकुमार शास्त्री जी मैं रोकता हूं। सीधे सीधे सोनिया दीदी आपके पास और राहुल आपके पास आना चाहता हूं। अब आप बताएं इस दोनों इस मुद्दे पे शनि सिंगापुर मंदिर में जाने को लेकर दीदी आपका क्या टेक है, वो रोकना अनैतिक है या नहीं है? मैं जानना चाहता हूं सोनिया दीदी आपसे। सोनिया दीदी सबसे पहले प्रतीक भाई, जब मैं हेलो जी जब से सबसे पहले तो ये कि जब मैं बात कर रही हूँ तो कृपया कोई शोर ना मचाए। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। प्रतीक भाई इस बात का ध्यान रखिएगा। और मैं कुछ प्रश्न भी पूछना चाहूंगी आप इसी समय, इसी डिबेट के अंदर, इसी पैनल में मैं कुछ प्रश्न भी रखना चाहती हूँ। यहाँ दो बहनें बैठी हुई हैं तो उनसे भी मैं कुछ प्रश्न करना चाहूंगी, जिस तरह से वे जिज्ञासा अपनी प्रकट कर रही हैं। सबको पता है कि जब रजस्वला स्त्री होती है, मुझे क्षमा करें मैं खुल के ये बात कर रही हूँ, उसके लिए सभी क्षमा करें मुझे, लेकिन चूंकि ये विषय इतना सेंसिटिव हो चुका है कि अब इसे पर्दों में रखने की हदें कुछ लोगों ने हटा दी है, इसलिए मुझे उसके लिए बिल्कुल क्षमा करें। जब स्त्री रजस्वला होती है तो वो मंदिर में नहीं जा सकती, लेकिन ये बात क्या आज की मॉडर्न लड़की मानती है? क्या आपके पास कोई ऐसा डिटेक्टर है जिससे कि आप ये जान सकेंगे कि जब आप सिक्योरिटी चेक करवाते हैं एयरपोर्ट पर या मंदिरों में जाने के पहले या VIP जगह पे जाने के पहले, क्या मंदिर के बाहर ऐसी कोई सिक्योरिटी या ऐसा कोई साइंस ने डिटेक्टर बनाया है जिससे आप ये जान सके कि इस लेडी की वाइब्रेशन में वो बात है कि नहीं है, वो सुचिता के समय में है कि नहीं है? कोई नहीं बता सकता, कोई माइकल लाल ये चीज पूरी संसार में अभी तक डिटेक्ट हुआ नहीं बता सकता। आप एक महिला होकर चाहती है कि महिला का अपमान 100 पुरुषों के सामने हो? मैं जब कथा करती हूँ, एक मिनट पहले आप बात पूरी सुनिए, बात सुनकर एक एक करके जवाब दूंगी ना, सब सुनकर एक जवाब बोले दीजिए सांकेतिक होते हैं। प्लीज आप तो जो ढकने के अंग हैं उन पर भी आप मशीन लगाना चाहती हैं। राजकुमार जी प्लीज बोलने दीजिए, राजकुमार जी बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। जी जी दीदी बोलिए, कंप्लीट करिए सेंटेंस। जी जी सोनिया दीदी आप बोलिए। प्रतीक भाई मंदिर में मैं ये पूछना चाहती हूँ सभी से कि आप वहाँ पर पुण्य का अर्जन करने जाते हैं या आप सिर्फ वहाँ पर नाम और शौहरत और वहाँ से कुछ पाने की महत्वाकांक्षा से जाते हैं, और यदि वो भी जाते हैं तो क्या उसका एक विधान है या नहीं है? क्या भक्ति और श्रद्धा निजी विषय होने के बाद एक सामाजिक विषय भी नहीं है? और यदि सामाजिक विषय है तो क्या उसकी अपनी मर्यादाओं का पालन नहीं किया जाता है? राजकुमार राजकुमार लड़के साड़ी पहने क्यों सामलैंगिक भगवान के साथ मन लग जाएगा? तो मैं नहीं मानती कि कपड़ों से कोई फर्क पड़ता है। इंडिया में लोग कृष्ण को इतना नहीं मानते जितना कि यूएसए और लंदन में मानते हैं। मैडम कपड़े पहनने से, पीले चोगा पहनने से या ये कहने से कि पंडित बन गए हैं, पंडित के राह कुर्ता पहन लिया, क्या आचरण में भी पंडित बन आता है? और अगर ऐसा है तो अभी हमारे ऐसे बहुत सारे बाबा जेल की यात्राएं कर रहे हैं जिन्होंने ऐसे भागवा कपड़े पहन रखे हैं। तो कपड़ों को प्लीज मंदिर से और भक्ति से ना तोले आप।
मन से बाहर अलाउड नहीं है प्रतीक, अलाउड होना ये आप जैसे माँ बाप ने आप जैसे लोगों ने रोक रखा है, इसका ही हम यहाँ बैठ के विरोध करते हैं। राहुल कपड़े पहनकर मंदिर जाने से भगवान से मेरा कनेक्शन कभी नहीं होता। सवार है पढ़े लिखे के राहुल हमारे आपके पास आ रहे हैं, राहुल हमारे बाबा लोग राहुल हमारे आपके पास आ रहे हैं देना चाहूंगा। महिलाओं को भूमाता ब्रिगेड की महिलाओं को इससे आगे आने नहीं दिया जाए, साथ ही में यहाँ पर जो महिलाएं हैं सीधे उनसे ही बात करते हैं। इस पुलिस की इस कार्रवाई मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से पुलिस ने आपको रोका है क्या कहेंगे आप? आज जो बाबा साहब ने आज के दिन प्रजासत्ताक दिन के दिन हम लोगों को जो स्वतंत्रता दी थी, महिला और पुरुष में समानता, उस समानता को यहाँ के गाँव वालों ने ही उल्लंघन किया है। बाबा साहब के उस घटना का अपमान हुआ है, क्योंकि स्त्री पुरुष में भेदभाव बाबा साहब ने नहीं किया, उन्होंने घटना लिखी उसमें हमको समानता का अधिकार मिला। पुलिस क्या कह रही है आपको यहाँ से आगे, पुलिस क्या कह रही है आप लोगों को? पुलिस का ये कहना है कि आप लोग शांत हो जाइए। हम कह रहे हैं कि हम शांत हैं, हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, आप हमें पूरे गाँव के लोग मिलके, पूरा पुलिस प्रशासन मिलके एक कारण बता दीजिए, एक कारण। कुछ कारण बता रही है आप लोग को? कोई कारण नहीं बता रहे, वो बेचारे मजबूर हैं, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आप आगे क्या करेंगे अगर आपको नहीं जाने दिया? हम यहीं बैठेंगे जब तक दर्शन नहीं होगा हमारा शनि सिंगनापुर का। संविधान का अपमान हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लड़ाई लड़ी उसका अपमान हुआ, और वो भी 26 जनवरी को। इससे आपको सीधे सीधे सबक मिलता है। हम सीधे राहुल के पास जाना चाहेंगे, राहुल ईश्वर हमारे साथ मौजूद हैं, सबरीमाला आश्रम के मुख्य पुजारी के पोते राहुल ईश्वर हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल, ये अपमान मतलब ये जो भेदभाव है और लिंग के आधार पर आप भेदभाव कर रहे हैं, ये कहां तक जायज है? और आज के दिन 26 तारीख को महिलाओं को इसलिए क्योंकि वो महिला है इसलिए मंदिर में नहीं जा सकती, आपने रोक दिया उन्हें? 13 पॉइंट है इसमें, एक आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25, ये दोनों आर्टिकल का एक कॉन्फ्रेंटेशन और कंसेंसस है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी है, आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन है। सेकेंड पॉइंट, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, डिफरेंशिएशन है। भारत में कई ऐसे टेम्पल्स है जहाँ मर्द लोग नहीं जाते, फॉर एग्जाम्पल इन केरला हमारे पास यहाँ चकुलत गांव है, आतिवाल है, यहाँ सब मेल लोग और आत्मीय लोगों के लिए रेगुलेशन है, क्या ये भी डिस्क्रिमिनेशन है? तीसरा पॉइंट, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं डिफरेंशिएशन है। हमारे सिस्टम का बहुत्वता ये है, प्लूरलिज्म ये है, हमारे डाइवर्सिटी ये है, इनकी डाइवर्सिटी को प्लूरलिज्म को समझ कर ही ये एग्रेशन छोड़कर हम कॉन्फ्रेंटेशन नहीं कंसल्टेशन चाहते हैं, हम फाइट नहीं एक बातचीत चाहते हैं। हम वो सभी फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट के साथ यही रिक्वेस्ट करूंगा, व्हाई डोंट वी टॉक, हम डिस्कस करेंगे रादर दैन इसी तरह के एक्शन मत कीजिए, इस तरह के एक्शन ना करें। राहुल, आप बता सकते हैं एक रीजन? वहां बैठी हुई महिला भी पूछ रही है मंदिर में महिलाएं क्यों ना जाएं, रीजन? ये कानून, ये बातें, ये ट्रस्ट ने बनाया, ये ऐसा रीजन बताइए कि महिलाएं मंदिर में क्यों नहीं जाएं? जी ऑफ कोर्स, हमारे देश में थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल्स है, ये सभी टेम्पल में सभी स्त्री और पुरुष जा सकते हैं, मगर ऐसा कोई टेम्पल्स है जहाँ का रिचुअल्स और पूजा सिस्टम्स है जहाँ कहीं जगह पे मेल को रेगुलेशन है, कहीं जगह पे फीमेल को रेगुलेशन है। हमारे यहाँ शबरीमला है, हमारे यहाँ शबरीमला फॉर वुमन भी है, सो ये दोनों शबरीमला है, ये एक मेल हॉस्टल और फीमेल हॉस्टल की तरह है। हम मैं ओवर सिंपलीफाई कर रहा हूँ, फिर भी एक मेल हॉस्टल और फीमेल हॉस्टल की तरह है। आप जरूर मिक्सन हॉस्टल के लिए आर्ग्यू कर सकता है, मगर मेल हॉस्टल डिफरेंट है, फीमेल हॉस्टल डिफरेंट है। महिला होने के नाते मैं आपसे रीजन पूछ रही हूँ और मेरी आवाज को भारत की महिलाओं की आवाज समझिए, क्यों नहीं जाए ये बताइए रीजन। राजस्थान में पति के मरने के बाद उसके साथ मर जाते थे तो क्या करे? अभी भी ऐसा करे? रूढ़िवादी प्रथाओं को सीता की मूर्ति बनानी पड़ती है। आप ये सोचिए, राम भगवान अगर भारत के बिना नहीं चल पाए तो आपको लगता है कि आप चल पाएंगे?
सती एक घर में ने कहीं आप पर सती कहा धर्म को सती प्रथा के साथ मत जोड़िए। जी सोनिया जी, जी सोनिया दीदी, शास्त्र का ध्यान जी सोनिया दीदी, सोनिया सोनिया दीदी कुछ बोलना चाहती है जी, जी सोनिया दीदी, जी जी सोनिया जी बोलेंगी जी। प्रतीक जी पहले तो इनको आप चुप करा दें। मैं आप बोलिए चुप रहेंगे सब। वो जिसके लिए शो है, जिन लोगों की जानकारी के लिए, उन्हें कम से कम सुनाई तो पड़े। तो दीदी मैं भी आपको एक बात आपके बोलने से पहले, शुरू करने से पहले बोल दूं, यहाँ पर आप कथा पढ़ने नहीं आई हैं, यहाँ पर डिबेट हो रही है और डिबेट में बात से बात करनी पड़ती है। यहाँ आप बोलेंगे और हम सुनेंगे, यहाँ की कथा का मंच नहीं है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आप अगर बात करेंगे प्रतिक्रिया होगी तो उसके ऊपर प्रतिक्रिया होगी दीदी, ये आपको सुनना होगा, हम आपके दर्शक नहीं है, इसके लिए मैं आपसे सोनिया जी, सोनिया दीदी आप थोड़ा सुनने का धैर्य भी रखिए। बिल्कुल आपकी हर बात का जवाब सोनिया बोलिए दीदी, सुन रही हूँ मैं आप। जी 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 सोनिया जी बोलने दीजिए, सोनिया को बोलने दीजिए। जी 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 सोनिया दीदी। हाँ मैं सबसे पहले एक बात, एक बहुत सरलता से बात करते हैं जिससे आम पब्लिक इसको समझ सके। हम लोग मंदिर जाते हैं पुण्य का अर्जन करने के लिए, ताकि हमारे परिवार का अच्छा हो। यहाँ चलिए हम साध्वी हैं, लेकिन आप लोग अपने परिवार के लिए जाते हैं, हमारे उद्देश्य अलग है। तो आप अपने परिवार की भलाई के लिए जाते हैं, आपके घर के जो लोग हैं वो समृद्ध रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसलिए आप मंदिर जाते हैं। और मंदिर किसी भी जगह पर हम जाते हैं तो वहाँ के नियम हमें एक जगह से मिलते हैं। अगर हमारा देश का संविधान है तो हमें अपने संविधान से अपने नियम मिलते हैं कि संविधान में नियम बने हैं। ठीक है, लौटते हुए शनि शुक्लापुर मंदिर को लेकर जिस तरह से हो हल्ला हो रहा, उसी पे हम बात वापस लौटते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और हम साधिका सोनिया दीदी के पास फिर से वापस जाना चाहेंगे, जो अपनी बात कह रही थी। जी सोनिया जी, जी प्रतीक भाई एक बार फिर से कि सब जने बात पहले पूरी होने दें, धैर्य के साथ सुने और समझने की कोशिश करें। सिर्फ पलट के जवाब देना ही हमारा यहाँ पर होने का मतलब नहीं है, बात को समझदारी के साथ सुनना और समझना और समझाना है। हम मंदिर जाते हैं आम पब्लिक के लिए, जो समझ में आए इस भाषा में बात करते हैं, इसलिए कि हम पुण्य का अर्जन करें और उस पुण्य के अर्जन से हमें पुण्य की प्राप्ति हो, हमारे उससे हमारे हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, हमें ईश्वर का दर्शन हो। हर एक के नियम और हर एक की इच्छाएं अलग हो सकती है। इसीलिए मंदिर बंबई में ही शांति रखिए। आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी बात हो जाने दीजिए। आचार्य जी राजकुमार जी जरा एक मिनट के लिए शांति रखिए प्लीज। जी आप मंदिर जा रहे हैं, आप अपने अच्छाई के लिए जा रहे हैं, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जा रहे हैं, आप अपने परिवार की लंबी आयु के लिए जाते हैं। सारी महिलाएं पूजा कर सकती हैं, पूजा करने के लिए मना नहीं है, लेकिन पूजा करने के विधान है, पूजा करने के तरीके हैं। जैसे अगर आप किसी भी महिला के लिए शालिग्राम की शिला का भी स्पर्श करना मना कहा गया, लेकिन उसी के दूसरे स्वरूप जो है कृष्ण है, बाल मुकुंद है, बाल कृष्ण है, राधा कृष्ण है, लक्ष्मी नारायण है, सत्यनारायण है, उनकी पूजा महिला कर सकती है, लेकिन शिला रूप में शालिग्राम की शिला का भी महिला को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रोक्त है। उसी प्रकार शनि की शिला का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनि एक ग्रह देवता है, वो त्रिदेवता में नहीं आते हैं, लेकिन वो एक ग्रह है जिन्हें देवता के रूप में पूजा जाता है, और वो क्रूर ग्रह है। यहाँ दो दो ज्योतिष बैठे हैं और मैं ज्योतिष करके बहुत पहले छोड़ चुकी हूँ। तो दो जो क्रूर ग्रह होता है उसकी छाया से वैसे भी महिला यदि दूर रहे तो उसके सौभाग्य के लिए अच्छा होता है, उसके पुत्र के लिए, उसके संतान के लिए अच्छा होता है, यदि आप ज्योतिष एस्पेक्ट से देखना चाहें तो। और यदि आप साइंस के हिसाब से जानना चाहें तो हमारे ऋषियों से बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं हुआ। आज उन्होंने जो शोध किए उसके ऊपर सारे साइंटिस्ट बैठ के रिसर्च करते हैं। पहले बोलते थे मंगल नहीं और अब मंगल खोज के ले आए। इसलिए हमारा जो प्रमाण है हर बात का, एक मिनट, हमारा जो प्रमाण है हर बात को मानने का और कहने का वो है शास्त्र। हम शास्त्र को मान के शास्त्र के अनुसार से चलेंगे। यदि आप शास्त्र अनुसार कहीं पर भी नहीं लिखा कि शनि देव पर महिलाएं तेल नहीं चढ़ा सकती, और चलिए आप एक बात कीजिए, अभी तुम्हारी साध्वी है, शास्त्र की जी बात आपसे कहें, मंदिर में जाइए, मंदिर जाकर मंदिर वालों को समझाएं कि महिलाओं को अंदर आने दो, उन्हें चाय कॉफी पिलाओ। इतना अपमान हो रहा है, औरतें की ठंड में सड़कों पर बैठी हुई है, उनके ऊपर डंडे बजाए जा रहे हैं, उनका विरोध किया जा रहा है। आप यहाँ पर सिर्फ एक औरत के नाते क्यों नहीं देखती है, आप हर चीज में शास्त्र क्यों घुसा देती है, या ज्योतिष का क्या लेना देना, या शास्त्रों का क्या लेना देना। मुझे सिर्फ इस टीवी में एक चीज दिखाई दे रही है कि मेरी बहनें, मेरी महिलाएं, मेरी हमसफर, हमारे साथी जो है सड़कों पर बैठे हुए हैं, महिलाओं का अपमान हो रहा है, क्या आपको एक औरत होने के नाते ये दिखता नहीं है? हर चीज में ज्योतिष घुसाना जरूरी है। आप एक ज्योतिष होने से पहले, एक साधवी होने से पहले एक महिला है,
ये बात महिलाओं को प्यार से भी समझाई जा सकती है, इज्जत देके कुर्सियां बिछाकर बिठाकर चाय पिलाकर उनको मंदिर के अंदर एंट्री दिलवाकर इज्जत के साथ पंडित जो है रोज जो है प्रार्थना क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, गांधीगिरी से भी ये बात समझाई जा सकती है। क्षमा चाहता हूँ, मैं रोकना चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा। आपकी बात महिलाओं की समझ में नहीं आएगी, आपकी बात पंडितों की समझ में आ सकती है। यहाँ शास्त्रों का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ मैं रोकना चाहूंगा, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। देश की सारी महिलाएं अब तक खड़ी हो चुकी होती, लेकिन इस देश की महिलाएं सभी मूर्ख नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ दीदी, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं प्लीज प्लीज राखी 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 प्लीज 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 सोनिया दीदी, मैं आप सभी कहता हूँ धैर्य धैर्य, बहुत जल्द ये बात सच है कि इतनी हीनता क्यों है और आप अपनी हीनता को पूरे संसार की महिलाओं पे क्यों थोप रहे हैं? जी 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 राखी 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 महिला रही है, ये टैग कहाँ से लगाएंगे इस ईगो ड्राइव में? क्या नहीं है आप लोग भी रही है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। यही बात से मुझे चिल्लाना सुनाई देता है, मैं तो सहारे की सम्मान की है, बच्चे वाली हूं, विशेष सम्मान की है, आपको तो चिल्लाना नहीं चाहिए। दोनों को धैर्य रखना चाहिए, ऑनर एंड एक्सेप्टेड विद ऑनर। ये विजुअल थे, ये विजुअल से स्पष्ट है, विजय की मैं का ईगो ताजा विश्वास है जो इस वक्त आप शनि सिंगापुर के आउटर्स में देख रहे हैं, जहां पर रोका गया है, हाईवे पर रोक दिया गया है और पुलिस ने महिलाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया है। ये विजुअल्स हैं जिसको आप देख रहे हैं इस वक्त। भूमि माता जी, आप विरोध करती हैं, आपको पूरा हक है इस विरोध को दर्ज कराने का। और अना हमारे साथ जुड़ी हुई है, अना वडकट, आप इस विजुअल्स को देख के क्या रिएक्ट करना चाहेंगे? बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ सोशल कमेंटेटर, मैं आपसे आपका रिएक्शन जानना चाहता हूँ अना। प्रतीक, सब लोग चिल्ला रहे हैं, आप उनका माइक म्यूट करेंगे तो मैं जवाब दूंगी, नहीं तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। नोबडी विल स्पीक नाउ, आप बोलिए आना। नहीं प्रतीक, जब लोग चिल्ला रहे हैं मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे उनकी बातें भी ठीक से सुनाई नहीं दे रही है। ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आ रही थी, मैं बात जरूर करूंगी अना। ये लाइव तस्वीरें आ रही है जो कि कमिंग फ्रॉम वहाँ शनि से, शनि सिंगापुर मंदिर से ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आ रही थी, जहाँ से ये आपको हल्ला सुनाई पड़ा था, जहाँ पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और उन्हें गिरफ्तार किया है। अब आप कमेंट कर सकती हैं। जी जी प्रतीक, पूरी दुनिया में सभी धर्मों ने धर्म को एक जरिया बनाया है महिलाओं को काबू में रखने के लिए, महिलाओं पर रोक लगाने के लिए। अगर कोई महिला पुरुष महिला से कहे कि कमेंट कर रही थी आना, कमेंट कर रही थी जी। दिनेश हमारे साथ आना, मैं आपके पास आता हूँ, सॉरी मैं इस वक्त लाइव फिर से जा रहा हूँ, अपने रिपोर्टर के पास जाना पड़ रहा है। दिनेश आप हमारे साथ मौजूद हैं, अब ये जानना चाहेंगे इस वक्त क्या गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने क्यों रोका है और किस तरह का ये लाठीचार्ज था हल्का? देखिए, पिछले करीब एक घंटे से हाईवे पूरी तरह से जाम कर दिया गया था, जिसकी वजह से बाकी लोगों को काफी दिक्कतें होती है, और यही वजह की पुलिस ने अब तमाम प्रदर्शनकारी महिलाओं को हिरासत में ले लिया है और साथ ही में उनके इस आंदोलन को अब पूरी तरह से कुचल दिया है। जो लोग, जो महिलाएं सुबह निकली थी पुणे से मंदिर जाने के लिए, उन सभी को हिरासत में ले लिया। तो अब ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि आज जिस मकसद से महिलाएं निकली थी पुणे से, वो 400 साल पुरानी परंपरा को तोड़ने की, वो नहीं टूटेगा। सभी महिलाओं को अब हिरासत में लेकर साथ पुलिस अपने साथ पुणे लेकर गई है। जी प्रतीक जी, शुक्रिया 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 दिनेश।
अब मैं राखी आपसे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। मैं तो ये कहती हूँ आपको मेरी बात शायद विरोधाभास लगे, इन महिलाओं को बताना ही नहीं चाहिए था कि इन्हें मंदिर जाना है और इन्हें ऑल ऑफ सडन जाकर करना चाहिए। और नारी शक्ति हमेशा कुचली गई है, रोकी गई है, लेकिन कोई रोक नहीं पाया। आप भी यही है, मैं भी यही हूँ। इस मंदिर में महिलाएं बहुत जल्द आपको तेल चढ़ाती हुई दिखाई देंगी। मैं आपसे आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा इसमें। प्रतीक ऐसा है कि महिलाओं पर यहाँ पुलिस वालों ने क्या कहा कि अगर महिलाएं मंदिर तक जाएंगी तो वहां कानून व्यवस्था खराब हो जाएगा। लेकिन कानून तोड़ने वाले कौन होंगे? ये महिलाएं कानून नहीं तोड़ रही हैं, ये गांधीवादी सत्याग्रह कर रहे हैं, उन्होंने किसी पर हिंसा नहीं किया। तो जो लोग कानून तोड़ेंगे उनको आप हिरासत में ले लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसमें और बाकी हमारी सामाजिक स्थिति में फर्क क्या है कि महिला को कहा जाता है कि आप पर बलात्कार होगा तो हम पुरुषों पर रोक नहीं लगाएंगे। महिलाएं आप अपने कपड़ों पर ध्यान दीजिए, महिलाएं आप देख लीजिए कि आप घर पे बैठे ताकि पुरुष आप पर बलात्कार ना करे। ऐसा ही अत्याचार यहाँ शनि सिग्नापुर के पास हो रहा है क्योंकि इन महिलाओं ने कोई कानून नहीं तोड़ा पर उनको हिरासत में लिए जा रही है। आपके एक पैनलिस्ट ने कहा कि पूजा धर्म पाठ इन सब चीजों के लिए कानून होता है, नियम होते हैं और महिलाओं को इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर उनको लगता है कि, और मैं भी साफ साफ बता रही हूँ क्योंकि एडल्ट सुन रहे हैं और हम बच्चे नहीं हैं, महिलाएं जब पीरियड्स जब होते हैं, अगर लोगों को लगता है कि महिलाओं को उस वक्त किसी मंदिर या गिरजाघर या मस्जिद में नहीं जाना चाहिए तो इसका मतलब है कि वो महिलाओं को उस वक्त अशुद्ध मानते हैं। यही लोग माताओं को देवी मानते हैं। अगर किसी महिला की पीरियड्स नहीं होती है तो वो माँ नहीं बन सकती। तो जिस जो मातृत्व का जो जरिया है उनको वो अशुद्ध मानते हैं, लेकिन मातृत्व को वो बड़ा वो ऊंचे स्तर पर बहुत खूब बात कही आपने। बहुत 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 बेहतर। मैं आ रहा हूं, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं आ रहा हूं, प्रकृति को चैलेंज कर रही है, ये तो आचार्य जी और आप उनको चैलेंज कर रही है, इसमें क्या आचार्य जी इसका इससे लेना देना क्या है? नहीं नहीं आचार्य जी, मैं आ रहा हूँ। उन्होंने जिस बात को कहा है उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मैं अन्ना ने बहुत बड़ी बात और बड़ी कहा कि जो उर्वरा शक्ति है, जो उर्वरता है, उस पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं और वही अशुद्ध हो जाएगा, उस पे आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जी मैं सबसे पहले रिएक्शन जानना चाहूंगा सोनिया दीदी आपका। जी सोनिया जी आपका, आप मुझे ये बताइए कि आप मंदिर अलग से पवित्र स्थान क्यों बनाते हैं? क्योंकि मंदिर से धर्म से शुचिता जुड़ी हुई है, स्वच्छता जुड़ी हुई है। जितनी ज्यादा शुचिता स्वच्छता होगी उतना ज्यादा वहां पर अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन और देवी शक्तियों का वास होगा। अगर ये जो मातरमा आपकी अभी बोल रही थी पैनलिस्ट वन ऑफ द गेस्ट ओवर हियर, अगर वो ये कहती है कि अशुद्ध माना जाता है तो क्या वो स्थिति ऐसी नहीं है? क्या इस चीज को इस तरीके से आप साइंटिफिकली आपको यहाँ पर कक्षा 9 और 10 को बायोलॉजी को पढ़ाना पड़ेगा कि नहीं है तो नहीं है, नहीं जा सकते आप उस चीज को बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट करके उसको फॉलो परस्यू क्यों नहीं करते हैं? होकर ऐसे बात क्या प्रॉब्लम है परस्यू करने में? आप तो सही से बात कर रहे हैं, दसवीं के बच्चों को पढ़ाया जाता है स्कूल में। अन्ना मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप ये बताइए कि केरला में 2 ऐसे मंदिर है जहाँ पुरुषों का जाना मना है? केरला में दक्षिण भारत में 2 ऐसे मंदिर है, केरला का एक भगवती देवी का मंदिर है जहाँ पर पुरुषों का जाना मना है। आज तक तो ऐसा नहीं कहा कि हमको यहाँ पर जाना मना क्यों है, हम तो आंदोलन करेंगे, हम वहाँ पर जाएंगे। या अटकोला टेम्पल है महिलाओं का, वहाँ केवल महिलाएं अलाउड है। आप बताइए मेट्रो में आप जाइए, मेट्रो में महिलाओं के लिए अलग से बोगी है, आप बस में बैठ जाइए, बस में महिलाओं के लिए रिजर्व सीट है, और उसके बाद इतने अधिकार देने के बाद भी महिलाएं कर रही है, हमको तो बराबरी का दर्जा चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि महिलाएं कहना चाहती है कि मेट्रो में उनके लिए अलग से बोगी नहीं होनी चाहिए, उनके लिए अलग से बोगी है वहाँ पर, फिर बोगी है वहाँ पर, और संविधान में बराबर बराबर अधिकार है। नहीं, संविधान में बराबर अधिकार है, एक आर्टिकल 25 है और इसमें महिलाओं को वर्जित रिलीजियस ग्राउंड पर भी ये बात सही है आचार्य जी, रिलीजियस ग्राउंड पर भी ये बात सही है कि अधिकार समानता के हैं,
वहाँ पे भेदभाव नहीं है, वहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन में सबको करने का अधिकार होना चाहिए। माताओं का सब लोग सम्मान करते हैं, माँ के रूप में, पुत्री के रूप में, बेटी के रूप में। मुझे लगता है कि धार्मिक जगत में हर जगह माताओं का सम्मान होता है, होना भी चाहिए, और महिलाओं का सम्मान इस समाज में कई कुलकर्ती मौजूद पैनल में है, सभी महानुभावों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे बड़े कड़े फैसले के साथ कहने वाले हैं, इस पूरी चर्चा को हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए IBN 7।